जेएनयू के छात्रों को जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको मारा गया पीटा गया, तो आज हमारे साथ है प्रियंका। हम इसे जानना चाहेंगे कि ऐसा कल क्या हुआ था। हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम लोग संविधान को बचाने की लड़ाई आगे ले जा रहे थे, क्योंकि हम गरीब छात्र हैं। हमारे अंदर एक डर है कि अगर जो इन्होंने पास किया है, अगर वो IHA मैनुअल पास हो जाता है तो कितना गरीब तबका, कितना बहुजन तबका जो आगे बढ़ रहा है वो बढ़ नहीं पाएगा। हमारे जैसे बच्चों को घर लौटना पड़ेगा, और महिलाओं के पास तो एक ही चारा बचेगा, उनको शादी ब्याह करके चूल्हा चौका में लगा देंगे। हम कहाँ जाएंगे? हम सड़क पर उतरे थे, वहाँ पर जब बैरिकेड के पास पहुँचे हैं, पुलिस तो ऑलरेडी बहुत छात्रों को बहुत बुरी तरीके से मार चुकी थी। हम लोग को आगे किया गया कि महिला साथी आगे जाएंगी तो हो सकता है बैरिकेड टूटे, ये हम पर अटैक नहीं करेंगे। वहाँ सिर्फ अटैक ही नहीं, मारा ही नहीं है, हमें सुई चुभोई गई है। और दो फीमेल जो कांस्टेबल थी उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा, एक मेल कांस्टेबल टीका लगाए हुए था पर उसका बैच उसके पास नहीं था, उसने हम पर अटैक किया, वो हमारी छाती पे हाथ रखा। बताइए कैसा सरकार है ये, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तक रहते हैं, बेटी को ना आप बचा पा रहे हैं ना पढ़ने दे रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो आप पढ़ने नहीं दे रहे हैं, तब हम सड़क पर उतरने रहे हैं ना। आप तो हमारा इज्जत उछाल रहे हैं सरे यहाँ, बताइए हमें बोलना पड़ रहा है खुल करके। कोई चाहता है कि ऐसा आरोप लगाए, पर वो हमारे साथ किए हैं, वो हम पे बीती है इसलिए हम बोल रहे हैं। जिस पे बीता है वही जानता है कि इन लोगों ने क्या किया है, मार के फाड़ दिया है लोगों का सर, खून बह रहा है फिर भी घसीटा जा रहा है, रात में लाइट ऑफ करके बताइए छात्रों को सड़क पर दौड़ाया गया, जलियांवाला बाग में मारा गया था, यही जोरबाग में यही रिपीट किया गया है, अभी छात्रों को मारा गया है। कल आप JNU के छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन वहाँ पर आपको आधे रास्ते में ही पकड़ के मारा गया, तो उस पर आप कल क्या हुआ था पूरी तरह? जैसे हमारे जो है कल एक पीसफुल मार्च था पार्लियामेंट को, हमारा जो डिमांड था कि फी हाइक जो यूनिवर्सिटी में लागू किया है और शिक्षा को जो भेजने का जो व्यवस्था है उसको ख़त्म करने के लिए हमारा जो है पीसफुल मार्च था। और हमारा ये डिमांड है कि जो जितना भी इस देश में एजुकेशन जो सिस्टम है वो फ्री में सबको दिया जाए, और ये शिक्षा जो है हमारा राइट है, ये हमारा बेसिक राइट है और ये सबको मिलना चाहिए, ये हमारा डिमांड है। और ये हमारा जो जस्ट डिमांड के खिलाफ जिस प्रकार से जो अभी का जो सरकार है वो हमारे ऊपर मतलब अत्याचार कर रहा है और मार रहा है, हमारा डिमांड है कि ये एक बेसिक डिमांड है कि शिक्षा सबके पास होना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, लेकिन आप स्टूडेंट को पकड़ के मार रहे हैं, और ना कि हमारे जो है हक का हम बात कर रहे हैं तभी हमारे खिलाफ ही लड़ाई कर रहे हैं। सरकार कहती है एक तरफ तो शिक्षा सबका अधिकार होता है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों की शिक्षा का अधिकार छीना जा रहा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए जो प्रोटेस्ट चल रहा है हम लोगों का, ये प्रोटेस्ट आज का नहीं है, 23 दिन हो गए, 23 दिन से हम लोग कंटिन्यूसली बेसिक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जिस तरीके से इलीगली आप जो हॉस्टल का फ़ी बढ़ाए हैं उसको आप वापस कीजिए, लेकिन BC हमारे मिल नहीं रहे हैं, तो क्योंकि BC मिले नहीं तो हम लोगों ने कल पीसफुल यहाँ से मार्च किया। और JNU का आवाज़ जो है, JNU आज से ही मतलब आवाज़ नहीं उठा रहा है, JNU जब भी कोई भी सरकार हो जो फासिस्ट तरीके से मतलब छात्रों का मुद्दे को भटकाया है या फिर गुमराह किया है या फिर ख़त्म किया है, हम लोग लड़े हैं। लेकिन आज ये पहली सरकार है जो JNU के छात्रों के खिलाफ लड़ रही है, हर सरकार JNU से लड़ता है, क्या बोलते हैं, हम लोग JNU सरकार के खिलाफ लड़ते हैं लेकिन सरकार अब हमारे खिलाफ लड़ रही है। तो ये जो मुद्दा है, मुद्दा सिर्फ JNU का नहीं है, मुद्दा ऑल ओवर इंडिया है, जहाँ पर जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे आप देख लीजिए क्या बोलते BHU का ले लीजिए, IIT मद्रास के ले लीजिए, आपका अभी जो उत्तराखंड में चल रहा है मेडिकल स्टूडेंट्स का ले लीजिए, जहाँ भी ये सरकार जो है BJP सरकार वहाँ पर फी बढ़ा रही है, और हम लोग डेमोक्रेटिकली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इन लोग क्या कर रहे हैं, लाठीचार्ज कर रहे हैं, वाटर कैनन यूज़ कर रहे हैं, टीयर गैस यूज़ कर रहे हैं, और हम लोग को डिस्पर्स कर रहे हैं वहाँ से। तो हम लोग का डेमोक्रेटिक डिमांड है कि आप जो है सारे इंस्टीट्यूशन को जहाँ पे फी लगाए हैं आप लोगों ने वो हटा दीजिए, हम लोग पढ़ सकें बस। तो अगर ये बात आपको पूरा समझना है तो ये सिर्फ JNU का बात नहीं है, ये पूरा देश का जो एजुकेशन पॉलिसी है उसका बात है। आप JNU देखिए, हर साल जो होता है NAC ग्रेडिंग में AAA+ मिलता है, ठीक है, हर साल जो है राष्ट्रपति का पुरस्कार मिलता है बेस्ट यूनिवर्सिटी का, रिसर्च में JNU बेस्ट है। आप इसके साइड में अदर्स जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ खोल रहे हैं, अशोका यूनिवर्सिटीज़ हो जाए या फिर अपना GL बजाज यूनिवर्सिटीज़ हो जाए, तो वहाँ या फिर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी हो जाए, वहाँ पर कौन जाएगा? अगर आपके ऑपोजिशन में प्राइवेट यूनिवर्सिटी में तभी जाएगा जब प्राइवेट यूनिवर्सिटी का शिक्षा एक अच्छे स्तर पे पहुंचेगा। अब JNU एक तरफ खड़ा है, ऑपोजिट साइड में पब्लिक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ खड़ा है, JNU एक अच्छा शिक्षा दे रहा है। आप अगर आप दो दुकान खोलते हैं बगल में, तो जो दुकान अच्छा चलता है, देता है खाना या फिर अच्छा सर्विस देगा, उसी के पास लोग जाएंगे ना, तो या फिर आप उस अच्छे दुकान का जो है स्तर गिरा दीजिए, तो जो अच्छा दुकान है उसका स्तर गिरा दीजिए,
फिर उसके बाद जो है दूसरा जो दुकान खुला है वो चलना स्टार्ट करेगा। तो सेम चीज़ गवर्नमेंट जो कर रहा है अभी जो JNU के साथ किया जा रहा है, और ये बात है कि JNU का ये प्री प्लान मर्डर हो रहा है कि अगर JNU का स्तर गिर जाएगा, JNU के लोग को पहले उन लोगों ने इसको इंटरनेशनल बताने का ट्राई किया, वो नहीं चला, फिर अभी फीस हाइक कर रहे हैं, तो कि फीस हाइक इसीलिए कि एक तबके का जो अभी नॉलेज प्रोड्यूस हो रहा है JNU में उसको रोक दिया जाए, फिर टीचरों के खिलाफ जो है एक्शन लिया जा रहा है, गलत तरीके से टीचर का रिक्रूटमेंट किया जा रहा है, तो इसमें क्या होगा, ये यूनिवर्सिटी का जो नॉलेज बिल्ड का कल्चर है जो जिसलिए JNU टॉप में है वो इस तरह अगर गिर जाएगा तभी GL बजाज या फिर ये अपना बाकी जो यूनिवर्सिटीज या प्राइवेट खोल रहे हैं वो चलेगा ना। तो ये आपको पूरा समझना पड़ेगा, ये स्थिति है अब एडुकेशन का। अब मैं दूसरा बात रखता हूँ कि JNU को क्यों फ्री शिक्षा देना चाहिए स्टूडेंट को, ये बात सिर्फ JNU का स्टूडेंट का नहीं है। आप लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं कि JNU में इतना सब्सिडाइज क्यों है फीस, मेरा क्वेश्चन ये है जो लोग ये क्वेश्चन उठा रहे हैं वो लोग अगर कहीं पे 5 लाख 10 लाख दे के भी पढ़े हैं वो खुद क्वेश्चन उठाए कि उनका वहाँ उस यूनिवर्सिटी का कॉलेज का फीस इतना क्यों था, क्योंकि सरकार फेल्यूवर है सबको शिक्षा देने में। अब जितने लोग यहाँ पे पढ़ते हैं उसका सिर्फ 3% स्टूडेंट आते हैं हायर एडुकेशन में, टोटल ऑल ओवर इंडिया में जितने पढ़ते हैं उसका 3% स्टूडेंट आते हैं हायर एडुकेशन में, उसका 3% का 1% आता है रिसर्च में, तो अब उसको भी ख़त्म करना चाहते हैं, और सिर्फ एक तबके का लोगों को चाहते हैं कि वो हायर एडुकेशन अचीव कर पाए जो नॉलेज बेस पे ना हो, जो सिर्फ जिसके पास पैसा है वही कर पाए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।